विकास, बहुत शॉकिंग है। 10:30 बजे जब से ये न्यूज़ आई, हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे हमारे सारे रिपोर्टर्स मुंबई के, और अब ये जब कंफर्म हो चुका है, यकीन करना बड़ा मुश्किल है जो हुआ है। सिद्धार्थ सीजन 13 के विनर थे जैसा कि आप बता चुके हैं, लेकिन उससे भी पहले जो वो घर घर में पहुँचे थे, वो बालिका वधु में जो उनका कलेक्टर का किरदार था उसके उसको निभा कर पहुँचे थे, और वो किरदार था जिन्होंने उनको स्टार बनाया था। और उसके बाद एक तरह से बिग बॉस सीजन 13 जीतने के बाद रिवाइवल हो गया था विकास उनका, और हम सब उम्मीद कर रहे थे क्योंकि फिल्मों की भी बात चल रही थी कि अब नई फिल्में भी मिल रही हैं, एमटीवी का एक बहुत जल्दी शो होस्ट करने वाले थे वो, और ये एकदम से जिस तरह न्यूज़ आई है ये यकीन से परे है कि ये ना तो वो ऐसे बीमार थे इससे पहले। और उसके बाद बहुत लोग अब टेलीविज़न से जो लोग हैं वो तो अभी भी, क्योंकि बॉलीवुड में थोड़ा सा लेट उठने का चलन है, तो अभी जब जिन लोगों को ये पता चल रहा है वो इतने शॉक्ड हो रहे हैं। सारे आप मैसेजेस अगर आप देखेंगे तो सब लोग यकीन ही नहीं कर रहे हैं। सुबह से जब ये बात शुरू हुई थी तो सबको लगा कि एक र्यूमर है, कि मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मगर र्यूमर अचार मिला तो पहले मुझे लगा कुछ मीडिया से कहीं गलती हो गई है, कोई गलत न्यूज आ गई है। मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि जिस पर सोना का Yes, he has, and we've had Dr. Ilyasi speak to us here at CNN News 18 in the past, and he has said that my identity is my nation, and in terms of nation heads is a reality, and even the likes of Mehmood. But it's not possible. Why? You love Ricky? So tonight, you and me, it's a date. See you at night.